हेलो स्टूडेंट, आज का मैं इस वीडियो में विच इज ग्रेटर बताने वाला हूँ कि कोई भी नंबर अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो और अगर आपको पता करना हो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है तो आप कैसे इसे पता करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि जब भी अगर आपको कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हो और आपको पता करना हो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है तो उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है सर, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ सर, बहुत ही शानदार ट्रिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कैसे हम इसको पता करते हैं कि इन दोनों में से कौन नंबर बड़ा है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि इसका मल्टीपल इससे करना है। 10 का मल्टीपल 8 में करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 80 आएगा। ठीक है सर, 11 का मल्टीपल इसमें करेंगे 7 में तो कितना आएगा स्टूडेंट, 77 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 77 किसका आया स्टूडेंट, 7/10 और 8/11 कितना आया, 80। ठीक है, तो 77 किसका है, 7/10 का, और 80 किसका है, 8/11 का। तो 77 बड़ा है या 80 बड़ा है स्टूडेंट, तो 80 बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है स्टूडेंट, 8/11। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो 8/11 है ये हमारा ग्रेटर है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे, 7 का मल्टीपल इसमें करेंगे 8 में तो कितना होगा स्टूडेंट, 56, और 9 का मल्टीपल करेंगे 6 में तो हो जाएगा 54। ठीक है स्टूडेंट, तो 54 बड़ा है स्टूडेंट 56, तो 56 बड़ा है, तो 56 किसका है, 8/9 का। ठीक है, तो 8/9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रेटर। ठीक है स्टूडेंट, ये था स्टूडेंट बहुत ही शानदार ट्रिक कि अगर कोई भी नंबर अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो और आपको पता करना हो कि इन दोनों में से कौन सा बीच ग्रेटर है, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें स्टूडेंट, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।